अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ साउंड, जिसे हम उर्दू में आवाज़ कहते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को बजाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे साउंड वेव्स की। तो आइए जानते हैं साउंड वेव्स क्या हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की एक किस्म है, जैसा कि रोशनी जो मेरे चेहरे पे अभी पड़ रही है वो चाहे किसी बल्ब की हो या हम बाहर जाएं तो सूरज की हो, वो एनर्जी की एक किस्म है। हीट एक एनर्जी की किस्म है, वैसे ही आवाज़ एनर्जी की एक किस्म है। वेव्स क्या करती हैं? वेव्स इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ एनर्जी है जो मुझसे आपके कानों तक कौन पहुँचा रहा है, वो पहुँचाने वाली चीज़ क्या कहलाती है? वेव्स। सो वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने रिपल टैंक का टॉपिक पढ़ा। रिपल टैंक के अंदर मौजूद था वाटर, जिसे हमने वाइब्रेटर के ज़रिए वाइब्रेट करवाया। जब हमने उसके सरफेस पे वाइब्रेटर को मारा तो उसके सरफेस पे क्या जनरेट हुई? वाटर वेव्स जनरेट हुई। वो वाटर वेव्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव हुई। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली चीज़ क्या थी? वहाँ पे वाटर वेव्स थी। वहाँ पे जो मीडियम था वो था लिक्विड। इसी तरह मीडियम चेंज भी हो सकता है। मेरे और आपके दरमियान मीडियम इस वक्त गैसेज हैं। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम गैसेस भी हो सकती हैं। सो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेव्स बहुत ज़रूरी हैं। आइए बच्चों बात करते हैं आवाज़ पैदा कैसे होती है। हाउ साउंड इज़ जनरेटेड। आवाज़ पैदा कैसे होती है? देखिए, आवाज़ जो है वो बॉडीज़ के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है। कैसे वाइब्रेट करने से पैदा होती है, सवाल उठता है। आइए इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं गिटार की। गिटार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हुए बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें जो हमारे कानों को भली लगती हैं म्यूज़िक जनरेट करते हैं। अगर हम गिटार के सरफेस को देखें तो वहाँ हमें स्ट्रिंग्स नज़र आएंगी, धागे, पतले पतले बारीक बारीक डोरियाँ नज़र आएंगी। जब हम उसे हाथों की उंगलियों से वाइब्रेट करवाते हैं तो उस वाइब्रेशन के नतीजे में अगर आप गिटार के अंदर कैमरा इंसर्ट करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि जब हम स्ट्रिंग्स को प्लक करते हैं, उंगलियों से प्लक करते खींचते हैं, दबाते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है? मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें पैदा होती हैं, जिससे ये साबित होता है। आवाज़ों को सुनिए ज़रा। जिससे ये साबित होता है कि जब बॉडीज़ को वाइब्रेट करवाया जाए तो उनमें से क्या जनरेट होंगी? आवाज़ जनरेट होगी, साउंड वेव्स पैदा होंगी। इसी तरह से एक और मिसाल देखिए। अगर ड्रम के सरफेस को, रबर का सरफेस है, उसे वाइब्रेट करवाया जाए, हाथ से मारा जाए या किसी भी चीज़ से, तो क्या होगा? उसका सरफेस अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, जिसके नतीजे में ड्रम से हमें क्या सुनाई देगी? कानों को आवाज़ सुनाई देगी। इसी तरह से बच्चों जब हम बोलते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ क्या रखा है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के अंदर मौजूद है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं? जब हम बोलना चाहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं। उनकी वाइब्रेशन के नतीजे में, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, वाइब्रेशन के नतीजे में आवाज़ जनरेट होती है। अगर हम खूबसूरत आवाज़ जनरेट करना चाहते हैं, वोकल कॉर्ड्स डिफरेंट तरह से वाइब्रेट करेंगे। अगर हम ऊंची आवाज़ जनरेट करना चाहते हैं, बारीक आवाज़ जनरेट करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन के नतीजे में हमारे इस गले से क्या प्रोड्यूस होगी? आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इस तरह से बच्चों हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है हमारा, लंग्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। अगर वो वाइब्रेट करते हैं तो इसका मतलब वो साउंड जनरेट करते हैं। उनकी साउंड को सेंस करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का सहारा लेते हैं, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। बच्चों आइए हम जानते हैं अब आवाज़ जो आवाज़ पैदा कर रहा है उससे सुनने वाले तक कैसे पहुँचती है। मिसाल के तौर पर आप क्लैपिंग करते हैं, तो जब क्लैपिंग करते हैं तो इर्द गिर्द मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं आपकी क्लैपिंग की वजह से वो डिस्टर्ब होंगे। आपकी जो फोर्स है, प्रेशर है, उन मॉलिक्यूल्स को पहुंचेगा। उसकी वजह से फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेकंड वन को, सेकंड थर्ड वन को, थर्ड वन फोर्थ वन को, इस तरह से मॉलिक्यूल्स उस आवाज़ को डिस्टर्बेंस महसूस करते हुए क्या करेंगे? उस क्लैपिंग से जहाँ वो क्लैपिंग हुई है सुनने वाले के कानों तक ले जाएंगे। इसी तरह से आपने क्लैपिंग की है तो वो आवाज़ क्लैपिंग की आपके कानों तक भी आएगी। इस तरह से डिस्टर्बेंस जो है, जो आपने प्रोड्यूस की,
आवाज़ की जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोड्यूस करने वाले से सुनने वाले तक पहुंचती है, उसकी सेंसेशन जो है उसके कानों में दाखिल होती है, क्योंकि पैदा करने वाले, आवाज़ पैदा करने वाले और सुनने वाले के दरमियान हवा डिस्टर्ब हो गई है और डिस्टर्बेंस वेव्स की शक्ल में आ रही है, और वेव जब हमारे कानों में दाखिल होगी तो नतीजा क्या निकलेगा, वो हम सेंस करेंगे और वो सेंसेशन का अमल जो है वो हमारे कानों में ठहरेगा कुछ सेकंड के कुछ हिस्से के लिए, और उसका नतीजा दिमाग उसको सेंस करेगा और हमारी आवाज़ को क्या कर लेगा, गैस कर लेगा किसकी आवाज़ है, क्लैपिंग की है, खूबसूरत आवाज़ है, भली आवाज़ है, बुरी आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है, वो आगे काम किसका है, दिमाग का काम है उसे समझना, कानों का काम उसको अंदर एंटर कर देना है आवाज़ जो भी आई बाहर से। अब बच्चों जानते हैं कि स्टेथोस्कोप जो है वो किस तरह से काम करती है, कैसे हमारे लंग्स या हार्ट की आवाज़ को सेंस करती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेथोस्कोप किस तरह से हार्ट बीट को सेंस करती है। स्टेथोस्कोप की तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। एक इसका जो एक एंड है जो हार्ट पे रखा जाता है वो एंड क्या कहलाता है, वो है चेस्ट पीस। चेस्ट पीस क्या है, इसके दो हिस्से हैं, इसकी जो बैक साइड है वो है ट्यूब जो लो फ्रीक्वेंसी को सेंस करती है, जबकि इसका दूसरा जो एंड है जिसे हम चेस्ट के ऊपर रखते हैं दिल की धड़कन को सेंस करने के लिए, वो है डायाफ्राम। वो प्लास्टिक का हो सकता है, जैसे हम आप जानते हैं कि कंटिन्यूसली दिल वाइब्रेट कर रहा है, इसकी वाइब्रेशन को हम हाथों से भी सेंस कर सकते हैं, हाथ रख के भी सेंस कर सकते हैं। जैसे ही हम डायाफ्राम को यहाँ रखते हैं चेस्ट पीस के डायाफ्राम को, वो डायाफ्राम इस अकॉस्टिक प्रेशर की वजह से, ये जो दिल प्रेशर लगा रहा है हमारी बॉडी पे, उस प्रेशर की वजह से डायाफ्राम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब वो वाइब्रेट करेगा उस सेंसेशन को वो क्या करेगा, आगे मौजूद जो ट्यूब है, हालो ट्यूब है जिसके अंदर एयर फील्ड है, हवा मौजूद है, वो हालो ट्यूब जो है उसका दूसरा जो एंड है वो जस्ट लाइक हैंड फ्री है, जिसे एयर पीस भी कहते हैं, जो डॉक्टर ज़्यादातर कानों में लगाता है और वो सेंस करता है कि एक सेकंड में, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट्स हो रही है। ज़रा देखिए इस वीडियो को जिसमें दिखाया जा रहा है कि जब इस चेस्ट पीस को हार्ट पर रखा जाता है तो क्या होता है, हमारे दिल के प्रेशर की वजह से, कॉस्टिक प्रेशर की वजह से वो डायाफ्राम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन जो है वो एयर ट्यूब के ज़रिए मूव करती हुई कहाँ जाती है, वो जाएगी ये जो हमारे कानों वाला एंड है उस तक जाएगी, एयर पीस की तरफ जाएगी, और हम सेंस करेंगे कि वो प्रेशर जो एयर मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर दिया है इस दिल ने, वो एयर प्रेशर हमारे कानों में एंटर होगा और इससे हम उस आवाज़ को सेंस कर सकते हैं जो कि दिल प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से स्टेथोस्कोप जो है वो साउंड वेव्स को सेंस करती है जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स प्रोड्यूस करें। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से जानेंगे एक्टिविटीज़ के ज़रिए कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और फिर उसके बाद हमारा लेक्चर होगा कि साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद साउंड वेव्स की जो टाइप है वो किस किस्म की वेव्स की टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।